आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम किडनी के डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। जैसा हमने कहा कि आई का डेवलपमेंट जो है दैट वाज द डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म, मनी व्हेन वी टॉक अबाउट गैस्ट्रोलेशन देन द थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसी से हमने कहा था पूरा ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। आई में जैसे हमने डिस्कस किया, ब्रेन में हमने जैसा डिस्कस किया कि वो सब एक्टोडर्म के डेरिवेटिव से। पर अब जब हम बात कर रहे हैं, किडनी के डेवलपमेंट की, तो किडनी का डेवलपमेंट जो होता है दैट इज़ द मेसोडर्मल डेरिवेटिव, इंटरमीडिएट मेसोडर्म के डेरिवेटिव होते हैं, जिससे किडनी का और गोनेट्स मने जहाँ पर स्पर्म और एग्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों फॉर्मेशन जो है साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसलिए कई बार इसको हम यूरोजेनाइटल रिज के नाम से भी जानते हैं। यूरोजेनाइटल रिज में हम यहाँ पर पूरा जेनाइटल सिस्टम जो है उसको हम अलग सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर डिटेल में किडनी की बात करने वाले हैं। किडनी की बात करने के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि तीन टाइप की किडनी का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जब हम कॉर्डेट्स के अंदर बात करते हैं, फंक्शनल किडनी जो होती है कॉर्डेट्स के केस में, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पाइसिस टू दी मैमल्स, थ्री टाइप की किडनीज पाई जाती हैं। फर्स्ट को हम प्रोनेफ्रोस कहते हैं, सेकंड को हम मेसोनेफ्रोस कहते हैं और थर्ड को हम मेटानेफ्रोस कहते हैं। प्रोनेफ्रोस जो है वो कभी भी फंक्शनल नहीं होती है ह्यूमन बींग्स के केस में, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। मेसोनेफ्रिक किडनी जो है वो फंक्शनल होती है कि उस समय यूरिन ड्रेन होने लग जाता है डेवलपमेंट में, पर धीरे धीरे वो यूरिनोजेनाइटल रिच के साथ में मिक्स हो जाती है। और जो लास्ट मेटानेफ्रिक है वो ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन करके और फिर कंप्लीट किडनी का फॉर्मेशन यहाँ पर देती है। हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो हम प्रोनेफ्रोस किडनी की बात करने वाले हैं। जैसा हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एट द डे 21 ऑफ द डेवलपिंग फीटस, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय पर, डे 21 के समय पर यहाँ पर इंटरमीडिएट मेसोडर्म के डेरिवेशन में सर्वाइकल रीजन के अंदर, एम्ब्रियो के सर्वाइकल के रीजन के अंदर इस तरह का प्रोनेफ्रोस किडनी बनना शुरू हो जाता है। डे 21 को ये बनता है और डे 24 को ये डिजेनरेट हो जाता है और ये कभी भी फंक्शनल नहीं होता है। जब ये डिजेनरेट हो जाता है तब यहाँ पर मेसोनेफ्रिक किडनी आ जाती है। तो जैसा हमने कहा सर्वाइकल किडनी में वहाँ पर प्रोनेफ्रोस बनता है, यहाँ पर थोराकोलम्बर रीजन की तरफ जो है ये मेसोनेफ्रोस किडनी बन जाती है। ये मेसोनेफ्रिक किडनी वीक 4 में डेवलप होती है और ये यूरिन को प्रोड्यूस करना और उसको ड्रेन करने का दोनों काम यहाँ पर कर सकती है। इसलिए हमने क्या कहा है कि ये किडनी जो, जैसा प्रोनेफ्रोस में तो हमने कहा वो किसी भी तरह की कोई फंक्शनल किडनी नहीं होती है, पर मेसोनेफ्रिक किडनी से हमको यहाँ पर वो ड्रेन कर सकती है यूरिन। और ये कब तक फंक्शन करती है, वीक 10 तक ये अपना फंक्शन जो है वो वहाँ पर उसको देती रहती है। तीसरी हमने कहा कि मेटानेफ्रोस होती है, ये मेटानेफ्रोस डेफिनेट किडनी होती है, ये कंप्लीट किडनी होती है जो कि मैमल्स के अंदर फॉर्मेशन लेती है। इस मेटानेफ्रोस को हमने डेफिनेट किडनी कहा है। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये पाई जाती है और जैसा हमने कहा कि फिफ्थ वीक के एंड तक ये मेसोनेफ्रिक डक्ट से होते हुए, जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन निकल कर आया है। ये यूरेटिक बड इंटरमीडिएट मेसोडर्म में सैक्रल रीजन के अंदर, मतलब टेल की तरफ के रीजन की तरफ आ जाती है और वहाँ पर वो क्या फॉर्मेशन कर देता है, ब्लास्टेमा का फॉर्म। इस ब्लास्टेमा के फॉर्मेशन से जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि सर्वाइकल में प्रो था, थोराकोलम्बर में मेसोनेफ्रिक आया और लास्ट आते आते ये यूरेटिक बड के फॉर्मेशन से या यूरेटिक ब्लास्टेमा से इसने कंप्लीट किडनी का फॉर्मेशन कर दिया। किस तरह से हुआ कि ये यूरेटिक बड जो हैं ये बाइफरकेट हुए, बार बार बाइफरकेट हुए और उन्होंने एक कलेक्टिंग डक्ट बना लिया सिस्टम का, जिसको हमने डेफिनेट किडनी कह दिया। द किडनीज बिगैन प्रोड्यूसिंग यूरिन बाय द वीक 12। अब यहाँ पर किडनी जो है वो प्रॉपर यूरिन प्रोड्यूस करने लग गई है एंड इट एड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में ये जाती है और फिर उसके बाद में ये मदर के अम्बिकल कॉर्ड से बाहर निकल जाती है। द फीटल किडनीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एज द प्लेसेंटा सर्व्स दिस फंक्शन, कि जो प्लेसेंटा होता है वो ये सारा काम वहाँ पर कर सकता है।
अब सिक्स वीक तक आते आते किडनी पूरी तरह से असेंड हो जाती है, सैक्रल रीजन में फॉर्मेशन कर लेती है। पर कभी कभी हमको कुछ डिफॉर्मेलिटीज़ भी दिखती हैं किडनी के फॉर्मेशन के समय पर। मतलब क्या हो जाता है कि नॉर्मल किडनी में तो हमने कहा सिक्स वीक के समय पर ये दो किडनीज आकर लग जाती हैं, पर जो पेल्विक किडनी होती है उसमें क्या हो जाता है, एक किडनी का डेवलपमेंट नहीं होता और एक कंप्लीट हो जाती है। और हॉर्स शू किडनी में क्या होता है, डेवलपमेंट होता ही नहीं है, वो दोनों वहीं पर। तो ये कुछ बर्थ के समय के डिफेक्ट्स हैं जो कि हमें उसी समय पर वहाँ पर पता चल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सेगमेंट्स ऑफ किडनी की। किडनी को हमने चार सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अपर होता है, फिर होता है एपिकल, जिसको हम कह सकते हैं एपिकल होता है, अपर एंटीरियर होता है, मिडल पोस्टीरियर होता है और लोअर पार्ट की, चार तरह की ये किडनी होती है। और हर किडनी के अंदर यहाँ पर उसके पोस्टीरियर ब्रांच से आर्टरी ब्रांचेज ऑफ फर्स्ट एंड पासेज ओवर थ्रू द रीनल पैल्विस टू रीच द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। द फोर एंटीरियर ब्रांचेज कंटिन्यू टू द प्लेन बिटवीन द वेन एंड द रीनल पैल्विस थ्रू विच द इट कैन फंक्शनल प्रॉपरली। थैंक यू।